देश की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद विधानसभा, और साहिबाबाद विधानसभा पर जीते विधायक सुनील शर्मा सबसे ज्यादा वोटों से, और अब वहां पर खोड़ा नगर पालिका में चुनाव है नगर पालिका का, तो नगर पालिका के चुनाव में सुनील शर्मा ने दमखम झोंका हुआ अपना। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपकी नगर पालिका खोड़ा नगर पालिका पिछली बार आपने जीती थी, तो इस बार क्या लगता है आपको, वही प्रत्याशी पहले था? अभी अब की बार भी हम जीतेंगे, और खोड़ा में जनता बेहद समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, और उसका स्पष्ट कारण है कि खोड़ा में विकास का कार्य है केवल मेरी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ। लोगों ने झूठ बोल बोल करके उन लोगों को ठगा, किया कुछ नहीं। 2017 में हमारी सरकार आई, हमने पूरी खोड़ा की तस्वीर बदल दी है, वहाँ की सड़कें बनवा दी, वहाँ स्ट्रीट लाइट लगवा दी, वहाँ घर घर से कूड़ा उठने लगा, सफाई होने लगी। अभी हमें हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, सीवर के लिए हमने परमिशन ले लिया कि नोएडा के एसटीपी से जोड़ने की। खोड़ा का एक बहुत सुंदर शहर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अगर कोई काम बाकी रह गया है तो उसे हम ही कर सकते हैं, हमारी सरकार कर सकती है। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा है, उनकी धर्मपत्नी मैदान में खोड़ा से, तो कहीं ना कहीं पूर्व विधायक हैं, विधानसभा एक बार वो भी जीते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घमासान क्योंकि रोचक बना हुआ है, कहना है कि हम जीत रहे हैं। ऐसा है, कोई रोचक नहीं है, कोई घमासान नहीं है, हमने अपनी उपलब्धियां जनता को बता रहे, वो अपनी बताए भाई। वो विधायक भी रहे, प्रधान भी रहे, जिला पंचायत भी रहे, जरा एक एक उपलब्धि खोड़ा के लिए बता दें। हमारी तो कितनी उपलब्धियां हैं कि लंबा समय चाहिए। 183 किलोमीटर गलियां हमने बनवाई हैं, 366 किलोमीटर नाले नालियां हमने बनवाए हैं, स्ट्रीट लाइट एक एक छोटी छोटी गली में हमने लगाई है, घर घर से कूड़ा उठा करके हम ले जा रहे हैं। हमने वहाँ स्कूल बनवाने का हम काम कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल बनवाने का काम कर रहे हैं, हमने सीवर की परमिशन नोएडा के एसटीपी से जोड़ने के लिए, हमने पिंक टॉयलेट्स बनवाए हैं। विधायक जी, एक बात ये भी है कि अमरपाल शर्मा की भी बात कर रहे हैं, आपसे लगातार उनका टकराव देखने को मिला है, हर बार हर चुनाव में, दो बार आप जीते एक बार वो जीते, तो कहीं ना कहीं मजबूती कुछ दिखाई दे रही है, आपको कुछ लगता है? मैं तीन बार जीता हूँ, तीन बार आप तो पूरे उस समय शहर था, विधानसभा नहीं थी उस समय, थे मेरे सामने। देखिएगा, बात यह है, वो अपनी राजनीति अलग अलग दलों की करते हैं, कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा, कभी निर्दलीय। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, उसकी राजनीति करता हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की नीति पर काम करता हूँ। मेरे ऊपर योगी जी हैं, मेरे ऊपर मोदी जी हैं, मेरे ऊपर पार्टी का पूरा संगठन है, जिनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, जिनके लिए हमारी जवाबदेही भी है, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी का एक ही सिद्धांत है, विकास करना, सबका साथ और सबका विकास। हमने खोड़ा में बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के विकास किया है। खोड़ा जीत रहे हैं आप, आपका क्या? 100% जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। देखिए, विधायक सुनील शर्मा जिनका साफ तौर पर ये कहना 100% जीत रहे हैं, लेकिन खोड़ा नगर पालिका का जो चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी विधानसभा के विधायक, जीते हुए विधायक सुनील शर्मा एक तरफ है, तो दूसरी तरफ एक बार वहां पूर्व विधायक जो विधानसभा को वो भी जीत चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी सामने चुनाव लड़ रही है। हालांकि पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी की ही जो कैंडिडेट थी रीना भाटी, वो जीती थी, और अमरपाल शर्मा की धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार फिर एक बार फिर जो टकराव है वो इन दिनों में देखने को मिल रहा है। ये बताइए, अगर खोड़ा की बात की जाए तो क्योंकि आप पूर्व विधायक भी रहे हैं इस क्षेत्र के, और एक बार फिर आपकी जो धर्मपत्नी है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन आप समाजवादी पार्टी में, वो निर्दलीय हैं, कैसा चल रहा चुनाव? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, और जनता बहुत सहयोग दे रही है, और जनता हर हाल में इस सहयोग को पूर्ण रूप से 11 तारीख तक बरकरार रखेगी और चुनाव जिता के भेजेगी। अच्छा, ये पूरे देश की सबसे बड़ी विधानसभा, और वहीं अगर बात की जाए तो इस सबसे बड़ी विधानसभा में सबसे बड़ी जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, सुनील शर्मा जिन्हें आपने एक बार हार हराया भी था, और अब दो बार से लगातार दिखाई दे रही है, तो उनका प्रभाव किस तरह का है? देखिए, जहां तक प्रत्याशी के प्रभाव की बात है, विधायक के प्रभाव की बात है, वो जो जीत हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, प्रत्याशी की जीत नहीं हुई थी। अगर प्रत्याशी को जीत का इतना बड़ा घमंड है तो निर्दलीय वो भी लड़े और हम भी लड़े, पता लग जाएगा।
जीत थी माननीय योगी जी की, जीत थी माननीय मोदी जी की। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इसमें मेरे मन करने से क्या हो रहा है, जो है सो है। देखिए, खोड़ा में बहुत सारी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है पानी की। खोड़ा की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है, और ऊंट के मुंह में जीरा एक कहावत है, उस तरीके से खोड़ा की जनता के साथ छलावा करके चुनाव से 2 दिन पहले ये कहा गया कि हम टैंकरों से पानी देंगे। जहां 12 लाख की आबादी, वहां आप 70 टैंकरों से पानी दे सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकता। अगर मनसा ठीक होती तो UGCR के तहत खोड़ा के अंदर पानी स्टार्ट करा देते आप, क्यों नहीं कराया आपने 5 साल से? सारे लोग आप ही हो, सांसद भी, विधायक भी, चेयरमैन भी, पार्षद भी, कोई तो अलग नहीं है, फिर दिक्कत क्या है? तो खोड़ा की जनता जानती है कि ये सब झूठे वादे करते हैं। पंडित अमरपाल शर्मा जो कहेगा वो करेगा, और मैंने वादा किया है 6 महीने के अंदर हर घर में जल पहुंचाने का काम करूंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।